दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मामले में नवनीत कालरा को गिरफ्तार कर लिया है। कालरा की गिरफ्तारी गुरुग्राम में उसके रिश्तेदार के फार्म हाउस से हुई है। कालरा की ऑफिस से बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बरामद हुए थे। बरामदगी के बाद से ही वो फरार चल रहा था। लैब में हुई जांच में पता चला कि कालरा के कब्जे से मिले ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर महज 38% ही ऑक्सीजन दे पाते हैं। ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के कथित तौर पर कालाबाजारी के मामले में बीते शुक्रवार को कालरा को दिल्ली हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा था। कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी को ठुकरा दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने जमानत ना देने के निचली अदालत के कारणों से सहमति भी जाहिर की। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कालरा के खिलाफ लगाया गया आरोप बेहद गंभीर है, इसलिए पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है। इससे पहले आगे बढ़े, आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है नवनीत कालरा और क्या है पूरा मामला। तो नवनीत कालरा दिल्ली के प्रसिद्ध बिजनेसमैन में से एक है। इसके साथ ही कालरा कई महंगे रेस्टोरेंट्स के मालिक भी हैं। अपने फेसबुक हैंडल पर नवनीत कालरा कई बड़े सेलिब्रिटीज और क्रिकेटरों के साथ अक्सर तस्वीरें डालता रहता है। हाल ही में की गई छापेमारी के दौरान कालरा के 3 रेस्टोरेंट यानी कि खान चाचा, नेगा जू और टाउन हॉल से 524 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बरामद किए गए थे। ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर COVID-19 के इलाज में महत्वपूर्ण चिकित्सीय उपकरण है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी जालसाजी, 188 यानी लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा, 120B यानी आपराधिक साजिश और 34 यानी समान इरादे से काम करने के तहत कालरा के खिलाफ 5 मई को एक मामला दर्ज किया गया था। ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की कालाबाजारी के लिए आवश्यक वस्तु कानून और महामारी कानून के तहत भी FIR दर्ज की गई थी। पुलिस के मुताबिक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर चीन से इंपोर्ट किए गए थे और मनचाहे दामों पर जरूरतमंद लोगों को बेचे जा रहे थे। 50,000 से लेकर 70,000 रुपए तक में इन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर को धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। मामले के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ये केस ट्रांसफर किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कालरा की तलाश में पड़ोसी राज्यों में कई जगहों पर छापेमारी की थी। पुलिस ने कहा था कि संदेह है कि कालरा अपने परिवार के साथ दिल्ली से भाग गया है। इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि टीमें गठित की गई थी जो दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों में छापेमारी कर रही थी। बहरहाल इस पूरी वीडियो पे क्या है आपकी राय और प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।